आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो द क्वेश्चन हियर इज कि हमारे पास एक पेंडुलम क्लॉक है व्हिच गिव्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। इट मींस कि दिस क्लॉक जो हमारे पास है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे ये करेक्ट टाइम देगी किसी प्लेस पे जहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी की वैल्यू वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नाउ हम इसी सेम पेंडुलम क्लॉक को जो कि लाइट स्टील रॉड की बनी हुई है एंड इट इज़ कनेक्टेड टू अ हैवी बॉल, इसको हम एक डिफरेंट प्लेस पे लेके जाते हैं जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू चेंज होकर के 10.01 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस प्लेस पे किस टेम्परेचर कितना टेम्परेचर हम कर दें कि पेंडुलम क्लॉक करेक्ट रीडिंग दे दें और करेक्ट टाइम हमें शो करे। The coefficient of linear expansion for steel is 10^-5 per degree Celsius. Now we know कि for pendulum clock जो हमारी time period होती है we can write time period it is equals to 2π under root of l by g, जहाँ पर l हो जाएगी length of the pendulum और g हो जाएगी हमारी acceleration due to gravity. Now initially at 20 degree Celsius we can write कि अगर हम time period कितना show करेगा ये 2π under root of एल बाई जी और जी वन रिप्रेजेंट कर देते हैं। एल हो जाएगी इसकी इनिशियल लेंथ मतलब कि ओरिजिनल लेंथ एट 20 डिग्री सेल्सियस। नाउ सपोज करते हैं कि एट 80 डिग्री सेल्सियस क्लॉक शोज करेक्ट टाइम, सो नाउ टी डिग्री सेल्सियस पे जो ओरिजिनल टाइम आएगा टी टू वी कैन राइट इट इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट ऑफ एल डैश अपॉन जी टू, क्योंकि सिंस क्लॉक की जो लेंथ होगी उसमें चेंज होगा क्योंकि क्लॉक इज मेड ऑफ अ मेटल और जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मेटल की जो लेंथ होती है वो भी चेंज होती है और दे चेंज लाइक, सो अकॉर्डिंग टू थर्मल एक्सपेंशन वी कैन राइट एल डैश इज इक्वल्स टू एल 1+α इंटू डेल्टा टी divided by g2. Now since clock needs to show correct time at this temperature, so we can write कि correct time show करने के लिए ये दोनों time period हमारे बराबर होने चाहिए। It means कि जितना 20 degree Celsius पे time show हो रहा है उतना ही t degree Celsius पे भी show होना चाहिए। So this implies कि t1 will be equals to t2 and we can write कि l by g1 it is equals to l 1+α into delta t divided by g2. Now we can write here ki g2 by g1 it is equals to 1+α into delta t. Now g2 kitna hai 10.01 aur g1 hamara 10 hai, it will be equals to 1+α ki value 10^-5 aur change in temperature kya ho jayega hamara t-20. बिकॉज फाइनली टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और इनिशियली इट वॉज 20. सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो t-20 विल बी इक्वल्स टू 10^5 इंटू 1.001-1 एंड यहाँ से हमारी t की वैल्यू आ जाएगी 100+20 100+20 ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएंगे विच विल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द टेम्परेचर एट विच द क्लॉक विल गिव द करेक्ट टाइम। नाउ अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो 120 डिग्री इज फॉर ऑप्शन डी, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।